तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे कई महीनों पहले डिलीट हुए हुए फोटोज को हम वापस ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई महीने पहले डिलीट हुए हुए फोटोज को हम किस तरह से रिकवर कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फोन से। बड़ा ही सिंपल मेथड है दोस्तों, बस आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, फिर आप रिकवर कर पाओगे अपने खोए हुए फोटोज को, वो भी अपने एंड्रॉयड फोन से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपको यहाँ पर इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी होता ये है, जिन फोटोज़ को हम काफ़ी टाइम से संभाल कर रख कर आ रहे होते हैं, उन फोटोज़ को हम कभी कभार मिस्टेकली डिलीट कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में हमें वो फ़ोटोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें वो फ़ोटोज़ वापस चाहिए होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आप रिकवर कर सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों, आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से इजीली उसे इंस्टॉल कर सकते हो। और इंस्टॉल करने के बाद आपको जस्ट सिंपली उस एप्लीकेशन को ओपन करना है, और ओपन करते हैं तो इस तरह का लुक आपको यहां पर दिखता है, और यहां पर आप देख सकते हो स्टार्ट बेसिक फोटो स्कैन, तो आपको जस्ट सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। और आप जैसे ही क्लिक करते हो, आप बस अलाउ कर दीजिए इस एप्लीकेशन को, और आप यहां पर देख सकते हो आपके जो रिकवरी है वो स्टार्ट हो चुकी है, और आप यहां पर देख सकते हो जो फ़ोटोज़ है वो आना शुरू हो चुके हैं। तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने खोए हुए फ़ोटोज़ को वापस ला सकते हो। तो ये आपके फ़ोटोज़ पर डिपेंड करता है कि आपके फ़ोटोज़ कितने थे और आपके फ़ोटोज़ का साइज़ क्या था, उतना टाइम रिकवर होने में ये लेगा। और जैसे ही आपके फ़ोटोज़ रिकवर हो जाते हैं, और रिकवर होने के बाद अगर आप चाहते हो उन फ़ोटोज़ को सेव करना, तो आपको जस्ट सिंपली यहाँ से फ़ोटोज़ पर क्लिक करके अपने फ़ोटोज़ को सेलेक्ट कर लेना है जिन्हें आप सेव करना चाहते हो। और उसके बाद आपको जस्ट सिंपली यहाँ देख सकते हो एक डाउनलोड का साइन बना हुआ है रिकवर के पास में, आपको जस्ट सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करते ही तीन ऑप्शंस आपके सामने आते हैं, एक क्लाउड बैकअप यानी कि आप ऑनलाइन स्टोरेज में रखना चाहते हो, या सेकेंड वाला जो है सेव द फाइल्स टू ए कस्टम लोकेशन, तो आपको जस्ट सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको लोकेशन को सेव करना है, आप फ़ोटोज़ को कहाँ पर सेव करना चाहते हो। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ एसडी कार्ड, और बस मुझे एसडी कार्ड में ही चाहिए। तो और आप यहाँ पर देख सकते हो एक नोटिफिकेशन आया, ये फोकस ठीक से नहीं कर रहा, मेरे फ़ोटोज़ जो है वो सेव हो चुके हैं, जिन फ़ोटोज़ को मैंने सेव किया था वो आ चुके हैं मेरी एसडी कार्ड में। तो मैं चलता हूँ एक बार एसडी कार्ड में और आपको दिखाता हूँ वो फ़ोटोज़ आए हैं या नहीं। तो ये आ गया मैं अपने फाइल मैनेजर में, अब मैं यहाँ से जाता हूँ अपनी एसडी कार्ड में, और आप यहाँ पर देख सकते हो जो फ़ोटोज़ थे वो आए हैं या नहीं। जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हो जिन फ़ोटोज़ को मैंने अभी अभी रिकवर किया था वो फ़ोटोज़ जो है यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस तरह से आप जस्ट सिंपली अपने फ़ोटोज़ जैसे ही रिकवर होते हैं उसे आपको सेलेक्ट करना है और जस्ट आपको सेव कर देना है, बस इतना ही आपको इस एप्लीकेशन के साथ करना है। बड़ा ही सिंपल सा एप्लीकेशन है, और आपके जो फ़ोटोज़ हैं वो रिकवर होकर सेव हो जाएंगे। तो इससे अब आपकी जो इम्पोर्टेंट जो खोई हुई पिक थी, फ़ोटोज़ थे, आप उन्हें वापस ला सकते हो। तो बस एक सिंपल सा बेसिक सा एप्लीकेशन है, बहुत ही इजी है, लेकिन काम बहुत ही बड़ा करता है ये एप्लीकेशन। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर आप नए हो तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पर इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। सो या गाइस, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।